बाद हमने जो ओरछा के बारे में लोगों को दिखाया और बताया, और जिस तरीके से मैडम ने भी आप सबको अच्छे से ओरछा के बारे में जानकारी दी, तो लोगों को बहुत आश्चर्य होता है कि मध्य प्रदेश ऐसा है और मध्य प्रदेश में ऐसी जगह है जिनके बारे में अभी तक कुछ बहुत ज्यादा अच्छे से प्रयास पर्यटन की दृष्टि से नहीं किए जा सके थे, जो अब शुरुआत हो गई है। और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं यास्मीन जी को और उनकी टीम को कि उन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से ओरछा को सबके सामने प्रस्तुत किया है। जैसा कि हमने इस फिल्म में देखा कि ओरछा को हम, उसका नाम ही ऐसा है कि ओरछा, थोड़ा सा ओट में, थोड़ा सा छुपा हुआ, थोड़ा सा हटके, थोड़ा अलग सा, और उस चीज को डिस्कवर टू रीडिस्कवर, डिस्कवर मध्य प्रदेश, डिस्कवर ओरछा, डिस्कवर योरसेल्फ, एंड व्हेन यू विल रीच देयर, व्हेन यू विल गो देयर, व्हेन यू विल विजिट द डेस्टिनेशन, यू विल फाइंड इट एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग। हमको मध्य प्रदेश को नंबर वन स्टेट इन टूरिज्म पहुंचाना है, और उसके लिए हम सबके प्रयास के साथ साथ आप सबके सहयोग की, हमारे टूरिज्म के क्षेत्र में काम करने वाले व्यवसायियों की और मीडिया के सहकर्मियों की, सभी की एक, जैसे आपने अपने इंदौर को नंबर वन सिटी बना रखा है स्वच्छता में लगातार 4 वर्षों से, उसी तरीके से अब बारी अपने प्रदेश को नंबर वन स्टेट इन इंडिया, इन द कंट्री बनाने, और सबके लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। हम लोग सब यही है। पहली बात पहले आपका जो सवाल था, मध्य प्रदेश में जो 3 लाख फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उसमें से 1 लाख टूरिस्ट ओरछा आता है। हम लोग का ये जो डेट्स हमने चूज करे 6, 7, 8, 9, हम काफी सोच समझ के ये डेट्स चूज करे गए थे, क्योंकि एक तो ये लॉन्ग वीकेंड पड़ता है, इसके बाद एक दिन के बाद होली का है, तो काफी लोग जो आना चाह रहे हैं इसमें वो एक लॉन्ग वीकेंड बना के खाजुराव या पन्ना जहाँ भी जाना चाहते हैं अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। आइफा की अनाउंसमेंट ओरछा के बाद हुई, बट ये बहुत ही अच्छी बात है कि आइफा भी हो रहा है, बिकॉज जब ऐसी दो बड़ी इवेंट्स एक के बाद एक हो रही है तो ऑब्वियसली दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। इस प्लेटफॉर्म पर आप उनसे आइफा की बात कर रहे हैं, आइफा के प्लेटफॉर्म पर लोग ओरछा की बात कर रहे हैं, तो एक पूरे स्टेट को जो इम्पेटस, जो गवर्नमेंट का प्रयास था, आई थिंक उसमें एक के बाद इवेंट्स होने से फायदा नहीं है। जैसे मैं आपको पहले भी कह रही थी जब हम अलग से बात कर रहे थे कि जब से ये कमलनाथ जी का जो काफी एक फोकस टूरिज्म को बढ़ाने के लिए है, और पिछले एक साल में आपने देखा होगा कि फ्लाइट कनेक्टिविटी हर जगह से बहुत बढ़ गई, दिल्ली से भी मेरे अगर मेरा सही है तो 12 फ्लाइट्स और बढ़ गई हैं। सिमिलरली ओरछा हम ये सिर्फ नहीं चाहते कि सिर्फ वहाँ दिल्ली से टूरिस्ट जाए, बॉम्बे में जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट जनरेट हुआ, एंड जब तक अगला साल अगला फेस्टिवल आएगा आप देखेंगे कि जो गैप्स हैं कनेक्टिविटी के इनको काफ़ी फिल कर दिया जाएगा। आप दूसरी बात कर रहे थे नाइट लाइफ की, जब मैं आपको जैसे कह रही थी कि ये फेस्टिवल इज, ये 3 दिन का जो फेस्टिवल है स्मॉल एंड मीन्स टू एन एंड, सिर्फ 3 दिन का कल्चरल फेस्टिवल नहीं है, इसका मकसद है कि इससे टाउन की इकोनॉमी रिवाइव हो, टाउन का लोग इससे जुड़े, तो नाइट लाइफ को करने के लिए ओरछा में भी जो टूरिस्ट आता था जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे और खुद वहाँ पे घूम रहे थे कि 7 बजे के बाद अंधेरा हो जाता था, कुछ करने को नहीं था, तो अभी गवर्नमेंट ने जो वहाँ के सर्कुलर रोड्स हैं वो पूरे डेवलप कर दिए हैं और उन सब पे सोलर लाइटिंग होना शुरू हो गई है, तो जब तक आप लोग फेस्टिवल में आके देखेंगे, एंड ये जो वहाँ रामराजा मंदिर है उसके लोग सिर्फ आगे तक सीमित होते थे, अब पीछे जहाँ पे होम स्टेज हैं जो भी हम पुश करना चाह रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि होम स्टेज भी बढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये लाइट लगने से और वहाँ पे वो रोड डेवलप होने से एक नाइट लाइफ को इंक्रीमेंट मिलेगा। और दूसरा नमस्ते ओरछा का ये भी प्रयास रहेगा कि हम ये 3 दिन के फेस्टिवल के बाद अगले साल जो फेस्टिवल है बीच बीच में हम छोटी छोटी एक्टिविटीज करते रहेंगे ताकि डेस्टिनेशन बरकरार रहे, लोगों का इंटरेस्ट रहे खुद भी स्पॉट डेवलप करने में, तो जो लाइट लाइट होता था वो पूरा शहर अब लिट हो गया है और टूरिस्ट विल आल्सो फील सेफ फॉर रोमिंग अबाउट दैट टाइम। एक हमारा और भी प्रयास है कि हम फेस्टिवल करा रखें, और
मिनिमम यूज ऑफ प्लास्टिक करें, हर चीज़ को आप सस्टेनेबल तरीके से कैसे कर सकते हैं, और सबसे सबसे ज़रूरी ये है कि हम लोगों को इससे कैसे जोड़ें ताकि उनको फ़ायदा हो, उनकी इकोनॉमी रिवाइव हो, एंड नमस्ते ओरछा को वो अपना फेस्टिवल समझ के अपनाएं और ओरछा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए. Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.